हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आपके साथ आज, मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था, मैं अपने गांव आई हुई हूँ। ये कचालू की कड़ी बनती है हमारे, इसमें लोग इसको बाहर अरबी भी बोलते हैं, वन टाइप ऑफ अरबी ही है। इसकी जो कड़ी है वो बहुत टेस्ट के साथ खाई जाती है। सो अभी मैंने इसको धो के रख लिया है, इसमें पानी ऐड कर रही हूँ मैं, और इसको मैं बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। हम लोगों को जो कड़ी बनानी होती है वो बॉयल कचालू के साथ ही बनानी होती है। सो ये अब मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी गैस के ऊपर। तो अभी ये मैं इसको गैस पे रख देती हूँ। ये बहुत ही विंटर में स्पेशली बहुत अच्छे से खाई जाती है, हिमाचल में तो स्पेशली बहुत अच्छे से खाई जाती है ये। तो ये अभी ये बॉईल हो चुके हैं और उनको मैंने बारीक पीसेज में भी काट दिया है। मसाले देख लेते हैं, इसमें प्याज यूज़ होगा, लहसुन यूज़ होगा, अदरक यूज़ होगा, ग्रीन चिली यूज़ होगी, और ये सारे मसाले मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी कि इसमें मैं क्या ऐड करती जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या यूज़ होने वाला है। और छाछ हमें इसमें लगेगी, क्योंकि छाछ में हम लोगों को बेसन मिला के घोलना, ये हम लोगों ने छाछ रखा हुआ है। अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले लें, आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। सो ये बेसन इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। छाछ, जितने छाछ है उसका फोर्थ पार्ट हमें बेसन लेना है। तो अभी इसको अच्छे से घोल लें, बेसन और छाछ को अच्छे से घोल लें। ये छाछ जो है घर की छाछ है, देसी छाछ है, तो ये इतनी खट्टी नहीं होती। अगर आपके पास खट्टी है तो उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें। तो अभी मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई गर्म है, हम लोग चूल्हे पे बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं सर्दियों में, क्योंकि चूल्हे पे बनी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। अभी तेल को गर्म होने दें। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी मेथी के कुछ दाने। जीरा ऐड कर दीजिए। आप गैस पे भी सेम तरीके से बना सकते हैं, मैं चूल्हे पे बना रही हूँ बट मुझे चूल्हे पे बना अच्छा लगता है। ये धनिया पाउडर, बारीक पिसा हुआ धनिया था ये। ग्रीन चिल्ली मैंने इसको बारीक नहीं काटा है, पीसेस में काटा है, दो दो पीसेस में। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है जब आप इसको ऐसे काटते हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक के पीसेस। किसी भी चीज़ को हम लोगों ने ग्राइंड नहीं करना है, पीसीज में ही काटना है। ये मैं लहसुन जो मैंने चॉप किया हुआ है ऑलरेडी, वो ऐड कर रही हूँ। लहसुन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा जाती है गांव में, स्पेशली जो देसी लहसुन होता है उसका क्वांटिटी बहुत अच्छे से खाया जाता है। तो वो खोलने में भी बहुत ईजी होता है, इसलिए वो काफ़ी क्वांटिटी में लोग काट लेते हैं। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन, प्याज जिसको मैंने काटा हुआ है। और ये वीडियो थोड़ा टेढ़ा इसलिए बना हुआ है, थोड़ा आपको स्पेस कम दिख रहा होगा, बिकॉज एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मैं खाना बना रही थी। तो सॉरी फॉर द दिस, ये जो आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा होगा उसकी वजह से। तो अभी मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी भी आप अपने उसके अकॉर्डिंग कर ले, ये देसी हल्दी है तो ये कम जाता है, और जो हम लोग दुकानों से हल्दी लेते हैं वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो कड़वी हो जाती है ये जो देसी हल्दी होती है। ये देसी हल्दी है, घर पे बनी हुई हल्दी है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिल्ली। ये देखिए मसाला पक के तैयार हो गया, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। कचालू अरबी जिसको आप बोलते हैं, अभी मैं इसमें जो कचालू है वो मिक्स कर रही हूँ, जो मैंने चॉप किए थे ऑलरेडी वो इसमें मिक्स कर दूंगी। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसाला जो भी पक के तैयार है उसमें हमें कचालू को अच्छे से मिक्स करना है। एक एक कचालू के साथ मसाला जो है वो चिपक जाए अच्छे से।
देखिए अभी ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। अभी इसमें मैं जो छाछ मैंने बेसन में घोली थी वो ऐड कर रही हूँ। अच्छे से जो छाछ और कचालू है उनको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अभी इसका कलर आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा बट बाद में वो ठीक लगेगा आपको। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ये घर का बना हुआ है इसलिए आपको थोड़ा सा ब्लैकिश लगेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो अभी ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा नमक और इसके साथ। और जो हमारी कढ़ी है वो अभी मैं थोड़ा सा इसकी जो नीचे चूल्हे में आग है उसको थोड़ा सा अच्छे से सेट करके थोड़ा सा बढ़ाऊंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसको हमें उबालना है काफ़ी टाइम तक। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो सिम गैस पे इसको बनाएं, सिम गैस के ऊपर थोड़ी देर तक इसको अच्छे से पकाएं। तो देखिए अभी इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है, येलोइश कलर आ चुका है। कचालू में ये मिक्स हो चुकी है छाछ। इसको थोड़ी देर पकने दे। अभी ये पक के बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसको उतारने का तैयारी करूँगी। ये देखिए पूरा आप चेक कर सकते हैं, वो पूरा मिक्स हो चुका है एक दूसरे के साथ। ये देखिए अब मैंने इसको उतार दिया। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। हिमाचली स्पेशल है, आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसको मक्के की रोटी के साथ स्पेशली खाया जाता है, मक्के की रोटी और प्याज के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।